आज आप लोग का नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है, केयर करेंगे। मुझसे पूछा गया 3/5 और 5/8 में कौन बड़ा, 3/5 और 5/8 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो हम लोग जब क्लास 2-3 में जब भिन्न का नाम सुने थे तो क्या किए थे, भाग दे करके देख लिए थे। सबसे पहले क्या किए थे, दोनों में भाग देकर देख लिए थे। लेकिन ये नियम अब नहीं चला, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कितना भाग देते रहिएगा ऐसा रहता जो कटने वाला भी। तो दूसरी नियम जब हम लोग बचपन में याद कीजिए, जब एलसीएम पढ़े थे तो क्या किए थे कि इसको एलसीएम से गुना करके देख लिए थे। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना, 40 से गुना करेंगे, 8 बार में 8 40 से गुना करेंगे 25 हा या ना। अब देखना होगा 24 बड़ा है कि 25, अर्थात हम लोग को 5/8 बड़ा हो गया, 3/5 छोटा हो। अब इसी को हम लोग क्या कह दिए, जल्दीबाजी में क्या बोलते हैं कि भाई इतना नहीं सोचो, जल्दी से इसका गुना इससे कर लो, इसका गुना क्यों हुआ, वही तो एलसीएम हुआ। तो 8 और 5 का एलसीएम 40 लाने के लिए इसमें 8 से गुना किए थे, 40 लाने के लिए इसमें, तो उसी को जल्दीबाजी मैंने कहा क्रॉस गुना कर लो। तो 8 को 3 से गुना करेंगे 24, उधर गुना करेंगे तो 24 बड़ा की 25, तो आप लोग को बड़ा हो जाएगा 5/8 हाँ या ना। तो मैंने आप लोगों को कहा, कहीं लिखा था 11/13 है ना, और लिखा हुआ था 20/23। हमसे पूछा कौन बड़ा है, तो अब समस्या आने लगी कि क्रॉस गुना तो करने आता था तो 23 गुना 11 करना पड़ा और 13 गुने। अब इतना बड़ा गुना करने में भी हमको एक बार कलम रुक गया, हाँ या ना। छोटा रहा तब तो गुना कर लेगी, अब बड़ी डिजिट नीचे आ जाए, ऊपर बड़ी डिजिट आ जाए तो बड़ा डिजिट है तो गुना करने में तो परेशानी होगी। तब एक उपाय मेरे पास आया, क्या आया कि आप 13 से ना गुना करो, बल्कि इन दोनों का अंतर कितना होता है, 2 से गुना करो, 2 दुनी इन दोनों का अंतर कितना, 3 से गुना करो, 11 3 तो 33 बड़ा की 40 बड़ा, अर्थात बड़ा हो जाएगा 20/8। कितने नियम सीखे, पहले तो हम लोग बचपन में भाग दे दिए थे, भाग देने में भार पड़ा तो हम लोग एलसीएम मतलब क्रॉस से गुना करने लगे, क्रॉस गुना करने में भी बड़ी डिजिट आ गई तो हम लोग क्या किए, हंस और हर के अंतर से गुना कर दिए। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। फिर से कहीं लिखा हुआ था 27/31 है ना, 71/75 सही। अब हमसे पूछा कौन बड़ा है, तो अब आप लोगों ने क्या कहा कि भाई इतना बड़ा गुना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंतर से तो गुना, तो इसका अंतर कितना, तो इसको 4 से गुना किए, इसका अंतर कितना, इसको भी 4 से किए, तो जब दोनों को 4 ही से करना तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है जो। तो हमने एक नया नियम फिर सीख लिया कि जब अंतर सेम रहा तो गुना करने की जरूरत ही, जिसका अंश बड़ा हो बड़ा, जिसका अंश छोटा हो। नहीं समझ में आया, ऐसे ज्यादा कोई नियम होता कैसे, श्री चली समझ में आया। सबसे पहले क्या करते थे, भाग देके, जब भाग देने में डर लगने लगा तो क्या किए, क्रॉस गुना, क्रॉस गुना भी छोटी संख्या में ही हुई, अगर बड़ा रहने लगा तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे लेकिन उसके अंतर से, लेकिन यदि अंतर सेम रहा तो उसे भी गुना करने की जरूरत, जिसका अंश बड़ा हो बड़ा, जिसका अंश छोटा हो छोटा। क्या हमारी बात समझ में आ गई, बन जाएंगे, तो एक पूछ लो, सीखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। इन दोनों में कितने का अंतर, इन दोनों में भी कितने का अंतर, इन दोनों में भी कितने का अंतर, तो इन तीनों में तो 2-2 का ही अंतर है, तो इन सबों में चेक करने की जरूरत, इसमें सबसे बड़ा हो गया 11/8, जिसका अंश बड़ा हो बड़ा, जिसका अंश छोटा हो। तो जब अंतर सेम रहे तो जल्दी से उसमें छाट लीजिए कि उसमें सबसे बड़ा कौन है, 11/8। अब देखिए
इसमें अंतर कितने का, इसमें अंतर कितने का, तो इन दोनों में तीन का अंतर है तो बड़ा तो हो जाएगा 14/8। अब मात्र दो को टेंशन रहा, इन दोनों का अंतर दो है तो दो से गुना करेंगे 14 नहीं, इन दोनों में तीन का अंतर है तो 11 3 तो कौन बड़ा होगा, 33 की 28 33, आंसर हो गया 11/13। क्या आपको समझ में आया? अर्थात आप लोगों ने देख क्या लिया कि अगर अंतर सेम रहे तो उसको पहले हटा लेंगे, हाँ या ना, काम बन जाएंगे। एक और आया समझ में, याद नहीं ना कर रहे हैं, ये सब सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसमें सब जब मैथ आता है तो सब आते रहते, इसका कोई नियम नहीं है कि आईवे करेगा नहीं आएगा, इसी एग्जाम में आएगा, इस सब चीजें आते हैं। लिखिएगा, ग्यारह बटा पंद्रह, 15/17, 19/23, 27/29, 31/36 में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है? सीखिए, इसमें अंतर कितने का, इसमें अंतर दो का, तो दो से गुना कर दीजिए ना, ये भी चार हो जाएगा, कहते चेंज करते रहिएगा, इसमें अंतर और इसमें अंतर दो का, तो दो से गुना कर दिया, चार का अंतर हो गया, इसमें अंतर पांच का, तो रहने दीजिए, इन चारों में चार का अंतर है, यहां से लेकर यहां तक सबों में कितने का अंतर है, तो इसमें सबसे छोटा, जल्दी बोलिए, 11 23 19 54 में सबसे छोटा कितना, तो इन तीनों की कहानी तो कैंसिल। अब इन दोनों में चार का अंतर है, चार से गुना करिएगा 124, इन दोनों में पांच का अंतर है, पांच से गुना करिएगा 11 5, तो 55 छोटा हो जाएगा 124, यानी आंसर हो जाएगा 11/8, हाँ या ना, क्या सही है, बनाने आया? तो अगर अंतर चार का और कहीं अंतर दो का दे रहे हैं तो दो से गुना कर देंगे, तो अंतर वो सब अपने आप करते रहना, उसके लिए कोई नियम की जरूरत है। चार का अंतर था 11 15 में, 15 17 में दो का अंतर है तो दो से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो चार का अंतर नहीं हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 11 30 19 54 में सबसे छोटा कौन है, 11। क्या एग्री है? अब 11/15 31/36 में आपने चेक किया तो सबसे छोटा आ गया 11/15, बन जाएंगे। एक और बनाएंगे, प्रश्न संख्या 5, आरोही क्रम, आरोही मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही मतलब इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए, इंग्लिश आपका आसान है, जब दिक्कत हो तो इंग्लिश टर्म ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं ऑप्शन लिखता हूं, तब तक आप लोग बनाए, यही ऑप्शन है आपका, नहीं सीखिएगा, आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, तो चलिए हम लोग पहला चेक करते हैं, ये 91 हो गया और ये 88 हो गया, इंक्रीज किया क्या, 63 11 8, क्या 91 से 88 इंक्रीज किया, नहीं किया, अर्थात ही होने वाला, इसका मतलब 7/11 जब भी होगा तो 8/13 के बाद होगा, जरूरी नहीं जस्ट बाद लेकिन बाद, तो 7/11 के जो होना चाहिए 8/13 के बाद होना चाहिए, तो क्या 8/13 के बाद है 7/11, 8/13 के बाद है 7/11, नहीं है, देखिए तो ऑप्शन बच गया, अब चेक करने की जरूरत ही, हमारी परीक्षाओं में ऑप्शन बहुत बड़ा हथियार होता है, तो आपका पहले ही तो पता चल गया पहला से कि 7/11 बाद में होगा किससे, 8/13 से बाद में एक ही ऑप्शन में है ही है, बाकी सब में तो 7/11 पहले ही, अर्थात ये सब होने वाला, तो जब कोई एक देख लीजिए तो उसको केयर कीजिए कि अगर एक ही ऑप्शन में तो चेक करने की जरूरत, नहीं समझ में आया,
आया। हमने क्या बोला कि आपने चेक किया तो 63 × 11 = 98 ते 91 बड़ा होना चाहिए तो 7/11 बड़ा ना होना चाहिए। तारोही मतलब बढ़ते हुए, यानी 7/11 बाद में ना आएगा, तो 7/11 इन सबों में तो पहले आ गया था। एक ही तो ऑप्शन काम कर गया, इसे चेक करने की जरूरत भी कि चेक कर दें बन जाएंगे। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर जल्दी चेक कीजिए, सीखिएगा। मैं बताता हूं आपको, इन दोनों में भी दो का अंतर, इन दोनों में भी, तो जब भी होगा तो 11 × 13 = 11 तो पहले 11 तब 11 × 13 तो इसमें भी है, 11 × 13 इसमें भी है, 11 × 13 केवल इसमें नहीं है ना। आगे देखिएगा, इन दोनों में 63 × 11 = 88 यानी 11 × 7 होना चाहिए, तो 11 × 7 इसमें भी है, 11 × 7 इसमें, और इसमें भी 11 × 7 नहीं है, अर्थात आंसर कौन हो गया? नहीं समझ में आया, चलिए चेक कर देता हूं। इन दोनों में कितने का अंतर? 2 का, इन दोनों में भी 2 का अंतर बढ़ रहा है। आगे क्रॉस गुना करेंगे, ये आ गया 13 × 74 = 15 104 से 105 बड़ा होता है, यहाँ 63 से 64 बड़ा होता है, अर्थात आपका आंसर 2 बिल्कुल क्या सही है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? वी बनाने आ जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का आप बना लेंगे। बढ़े आगे, तो चलिए क्वेश्चन अलग है आपका, 10 कितना 10 सीखिएगा। 3 भिन्नों का योग 2 पूर्णांक 11/24 है, सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7/, सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर, सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7/6, 7/6 को 7/6 बोल सकते हैं, सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7/6 आया। कोई इसी बंदे ने बोला a/b = 7/6, तो अनुपात b को 7/6 नहीं बोल सकते। आगे 7/6 प्राप्त होता है जो बीच वाले भिन्न से 1/3 अधिक है। कह रहा 7/6 जो प्राप्त हुआ है वो बीच वाले भिन्न से 1/3 अधिक है, यानी 1/3 घटा देंगे तो बीच वाले भिन्न निकल जाएंगे। कितना? क्या आपको यहां तक समझ में आया? प्रश्न में कह रहा है कि 7/6 जो प्राप्त हुआ वो बीच वाले से 1/3 अधिक है, अर्थात 1/3 घटा देंगे तो बीच वाले भिन्न प्राप्त हो जाएगा। क्या यहां तक एग्री है? नेक्स्ट आगे कर ध्यान दीजिएगा, 3 भिन्नों का योग था 2 पूर्णांक 11/24, अर्थात जोड़िएगा तो 24 × 48 = 59/ तीनों के योग में से बीच वाले भिन्न को घटा देंगे तो शेष 2 का योग निकल जाएगा, शेष 2 का योग निकल जाएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का। तीनों में से बीच वाले को घटा देंगे तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग निकल जाएगा, जल्दी बोलिएगा 39/24 कटेगा 3 से लगता है 13/8 39/24 घटाने आया। हम लोग कैसे घटाते सीखे, ये 24 है तो मैं मन ही मन सोचता हूँ काश ये भी 24 आ जाता, तो 24 लाने के लिए 4 से गुना तो 4 = 5 तो 59 में से 20 गया 39। जब दोनों का हर सेम है तो जोड़ना घटाना सिंपल होता है, अंश को केवल जोड़ घटा दो आपका जोड़ घटा हो जाएगा, तो ये भी 24 है, अगर इसको भी 24 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 59 में से 20 गया कितना 59 में से 20 गया 39 सही है। ये 13/8 जो आया शेष 2 का जोग आया, आपके अनुसार जोग देखिए दोनों का दिया है 7 और 6 = 7/6, तो जोग का तुलना जिसे निकालना हो उसे गुना कर लें, सबसे बड़ा भिन्न निकालना होगा तो 7 से गुना नहीं हो जाएगा 7/8,
सबसे छोटा भिन्न निकालना होगा तो छः से गुना था, छः बटा आठ घट के आ जाएगा 3/8। अब बीच वाला था कितना, 5/8। क्या तीनों भिन्न लिखने आ जाएगा? जल्दी बोलिए, ऑप्शन में है। तेरह बटा आठ दो भिन्नों का जोग आ गया, वहां दो भिन्न का जोग हो जाएगा 7/6। तो जोग का तुलना जोग से, बड़ी भिन्न निकालना है तो 7 से गुना 7/8, छोटी भिन्न निकालना है 6 से गुना 6/8 का मतलब कट के आ जाएगा 3/4। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा निकल गया, बीच वाला ऑलरेडी पहले से पता था 5/6। क्या तीनों भिन्न निकल जाएंगे? बोलते नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पूछ रहे हैं। दशमलव में 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं पूछूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या बोलिएगा? हाँ है ना। और दशमलव में 3 अंकों की छोटी संख्या 0 0 नहीं हुआ। दशमलव में 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या था, सबसे छोटा था 0 0 0, अंत में क्या, अंत में 0 नहीं दे सकते हैं, 0 दे देंगे तो फिर संख्या होने वाला, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं लिखने आएगा। दशमलव में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या था 9 9, 9 से बड़ा कोई अंक होता ही नहीं। दशमलव में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0, दशमलव में 3 अंकों 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, सही है। दशमलव में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या था 0 0 0 0 1, क्या लिखने आ गया? टेंशन मुक्त है। और कोई बन गए? बोलते नहीं है, बढ़े आगे। तो चलिए आज का मेन क्वेश्चन एक सीख लेते हैं। 1 से 100 तक क्या लिखा है, जल्दी देखिए। 1 से 100 तक की संख्या लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? हाँ है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये रीजनिंग है, मैथ की दिमाग नहीं लगानी है, 2 की काउंटिंग करनी है। मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले तो 1 से 100 तक एक सीरीज होती है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ही आएगा, ऐसा नहीं होता 1 के बाद 17, 17 के बाद 3, 3 के बाद 18, 18 के पहले 4, ऐसा होता? जब भी होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 सीरीज चलती है। तो जब सीरीज चलती है इसका मतलब है कि एक निश्चित सीरीज के बाद ही 2 आता होगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपके क्लासरूम में पीला शर्ट वाले कितने लोग हैं, तो बहुत सारे गिरने लगे कि यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, तो गिरा नहीं पाएगा, बीच में छूट जाएगा। लेकिन आपने सीरीज देखा कि अच्छा पहले अगले रो में देख लेते हैं, फिर बीच वाले रो, फिर पीछे वाले रो, हर एक रो में चुनेंगे तो गिनना क्या होगा, आसान। उसके बाद भी अगर वो सीरीज की तरह रहे कि पहला में 3 गो पीला 2 गो लाल 1 गो काला, फिर 3 गो पीला 2 गो लाल 1 गो काला, 3 गो पीला 2 गो लाल 1 गो काला, तो क्या कहिएगा? हर एक में 3 3 गो पीला, अर्थात 10 रो का बंदा दतिया, नहीं समझ में आया। लेकिन कब, जब सीरीज लगाएंगे। तो अब समझना आपको यह है, अपनी दिमाग से सोचना है कि 2 का प्रयोग अपनी सीरीज के आधार पर सोचिए कि कैसे काउंट करिएगा। जल्दी से लिख करके तो सब बच्चा भी काउंट कर देगा, यूकेजी के बच्चे को दे देंगे कि 1 से 100 तक लिखो, देखो 2 कितना बार आया है, तो काउंट कर लेगा, हाँ या ना। लेकिन आपको लिखना नहीं है दिमाग में। तो इसकी काउंटिंग के सबसे आसान तरीके हैं, इकाई अंक पे कितना आया, दहाई अंक पे कितनी बार। तो इकाई अंक पे आता हर एक 10 में एक बार, हर एक 10 में कोई भी डिजिट 10 में जी 2, 1 से लेकर 10 तक 2 आया कि नहीं इकाई अंक में, फिर 11 से 20 तक 12 में 2 आया कि नहीं जी, 21 से 30 तक तो 22 में इकाई अंक में 2 आया कि नहीं, 30 से 40 तक तो 32 में इकाई अंक में 2 आया कि नहीं,
तो दू कहां कहां आएगा, हर एक दस में, तो हर एक दस में एक बार, तो सौ तक में कितनी बार, हर एक दस में एक बार, तो सौ ग्रुप में दस बार, हाँ है ना, हर एक बेंच पर एक बार तो सौ बेंच में, हर एक दस बेंच पर एक बार तो सौ बेंच पर दस बार, हाँ है ना। अब दहाई अंक की काउंटिंग सीखिएगा, दहाई अंक जब भी आएंगे तो लगातार दस आएगा, कोई भी अंक, जैसे दो कह रहे बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, सब में दो दहाई अंक में है कि नहीं, कहां तक, उनतीस तक। अब अगला बार दहाई अंक आएगा सौ के बाद, कहां, 120, 121, 122, 123, सब में दो आएगा दहाई अंक में, तो दहाई अंक हर एक दस आता है कितना में, सौ में, हर एक दस आता है कितना में, तो सौ तक में दहाई अंक में कितने आ जाएंगे, जल्दी बोलिए, अर्थात टोटल दो की संख्या, जल्दी बोलिए, क्या एग्री है। तो काउंटिंग कैसे दिमाग में किए सीखिए, इकाई अंक पे कोई भी अंक दस में एक बार आता था, सौ में दस बार, पूरा काउंट करने की जरूरत है, दहाई अंक में कोई भी डिजिट दस बार आता है लगातार, कितने में, सौ में, सही है। अगर मैं आपसे पूछ लेता, सीखिए इसी क्वेश्चन को, बढ़ाओ ना, इसी क्वेश्चन को हम पूछ लेते कि एक से 400 तक, एक से 400 तक लिखते समय दो का प्रयोग कितनी बार हुआ है, दो का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो रुकिए, इकाई अंक में हर एक दस में एक बार, तो 400 में, जल्दी बोलिए, सही है, दहाई अंक हर एक सौ में, तो 400 में 40 बार, श्योर है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोल सकता हूं कहां कहां, बता दूं, 20 से लेकर 29 तक 10 हुआ, 120 से 129 तक 10 हुआ जी, 220 से 229 तक 10 हुआ, और 320 से लेकर 329 तक हुआ, अब 400 से तो आगे जाना ही, अर्थात हर एक 100 में 10 बार, तो 400 में, अब बात हो गई सैकड़ा अंक में कितना बार, तब कोई भी डिजिट जब आने लगेगा तो हर एक डिजिट आता है सैकड़ा में 100 बार आता है लगातार, हजार तक में, कितने तक में, हजार के बाद फिर आएगा सैकड़ा में, हाँ या ना, जैसे यहां आ जाएगा कौन, 201, 202, 203, 204, 205, डॉट 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 200, 100 बार हुआ कि नहीं, 200 से शुरू हुआ और 299 तक दो आया कि नहीं, कितनी बार, बोलते ही नहीं समस्या ये, अर्थात दो का प्रयोग, जल्दी बोलिए कितना बार हुआ, 100, क्या आपको समझ में आया, नहीं, हमें लगता है नहीं समझ में आया, आ गया पक्का, एक से 500 तक की संख्याएं लिखते समय 6 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, सीखता हूं किसके अकाउंटिंग, तो ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक पे हर एक दस में एक बार, हर एक दस में एक बार, तो 500 में, बोलिए ना, हाँ या ना, बोलते नहीं है, सही बोल रहा हूं, दहाई अंक में हर एक सौ में दस बार, हर एक सौ में, तो हर एक सौ में दस बार, तो 500 में, अब सैकड़े अंक में अभी 6 आया ही, क्यों नहीं 6 आया, क्योंकि 600 शुरू होगा, नहीं 600 शुरू होता तब ना, अर्थात इसका प्रयोग, जल्दी बोलिए कितना, हमें तो लगता है अब आप लोग काउंट कर लेंगे जी, श्योर हैं, बढ़ें, इसी पे एक एसएससी का क्वेश्चन आते हैं, है ना,
ऐसे ऐसे सिज्जल में भी आए हुए हैं, मैं लिखाऊं? लिखिए। एक टाइपराइटर को एक से लगातार 2000 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए, एक से लगातार 2000 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कितनी बार बटन को दबाने होंगे? सही है, कहां तक टाइप करना है? तो अब सीखे इकाई अंक कैगो होगा? 9। एक से लेकर 109 तक ना टाइप करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। अब देखिए दो अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90 है पता। 99 तक में 9 तो एक अंकों वाली संख्या हो गई, बाकी कितने अंकों वाली संख्या? दो अंकों वाली संख्या। और दो अंकों वाली संख्या को टाइप करने के लिए दो बार बटन दबाना पड़ेगा? नहीं समझ में आया। एक अंकों वाली संख्या कितना? 9। दो अंकों वाली संख्या 90, कैसे बताइए तो जरा। बहुत अच्छा, सही है। 99 तक में 9 को तो एक अंक हो गया, तो 90 को नहीं दो अंक, तो दो अंक का मतलब दो बार दबाना पड़ेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, तीन अंकों वाली संख्या 999 तक, यानी कितना? 900 क्यों बताओ? 999 तक में, 99 तक तो दो अंक तक ही रह गया, यानी 900 तीन अंकों की संख्या। अब चल रहे हैं चार अंकों की संख्या, तो कहां तक टाइप करना? 2000 तक। तो 2000 तक चार अंक की संख्या होगा, पांच अंक तो जाने वाले, तो चार अंकों की संख्या 2000 तक में 999 तो इधर ही हो गया, बाकी बच गया कितना? 1000। कितने अंकों की संख्या? नहीं समझ में आया, फिर से। 2000 तक एक अंकों की संख्या 9 गो, दो अंकों की संख्या 90, तीन अंकों की संख्या 900, और बाकी संख्या जो बच गई सब चार अंक का, तो 999 तक घटा देंगे तीन अंकों की संख्या तक, तो बच जाएगा चार अंकों की संख्या। जल्दी बोलिए, अब जल्दी देखिए कितनी बार बटन दबाने पड़ेंगे। 9 प्लस 100 और प्लस 4000। अब हल मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। एक टाइपराइटर को 300 से 3000 तक की संख्याएं लिखते टाइप करते समय 300 से 3000 तक टाइप करते समय 300 से 3000 तक टाइप करते समय कितने बार बटन दबाने होंगे? तो सीखिएगा, 300 से 3000 में तीन अंक की संख्या होगी और हा या ना, तो 3000 तक में चार अंकों की संख्या कितनी होगी है पता? तो 3000 में 999 घटा दीजिए ना, 2001 संख्याएं कौन हो जाएगी? नहीं बोल रहे हैं, चार अंक का ना, नहीं समझे? हजार से शुरू होकर के 3000 तक जाएगा, मतलब 3000 से पहले कितनी संख्या? 900। सही है, सही है जी। ये हो गई चार अंकों की संख्या। तीन अंकों की संख्या 999 तक ना होती है? तो 999 तक होती है, लेकिन वो चालू हो जाती है 100 से ही, लेकिन हम तो चालू किए हैं, तो 999 में 299 क्या करेंगे हम लोग? 300 से ना चालू किए हैं,
तो 999 में 299 घटा दीजिए, 700 संख्या हो गई तीन अंकों की। 700 संख्या कितने अंकों की हो गई? कैसे, समझ में आया? तीन अंकों की संख्या का चालू हो जाती है 100 से ही, लेकिन हम लिखे हैं तो हमने कहा इतना नहीं देखना, हम लोग को देखना है कि 999 तक तीन अंक की संख्या होती है, तो हम लोग चालू किए हैं कहां से, 300 से, तो 999 299 क्या कर देंगे, बाकी 700 हो गया तीन अंकों की संख्या, बाकी हो गई चार अंकों की संख्या, क्या हल हो पाएंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आए हैं, बन जाएंगे। सभी दो अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी दो अंकीय संख्या, दो अंकीय संख्या का मतलब समझ रहे हैं, 10 से लेकर 99 तक, इसको हमसे पूछने की जरूरत, योगफल की तरीके, तो आपका एपी का सीरीज है तो आप लोग पहला तो लिखाएंगे एस एन बराबर एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो लंबी तरीके जानते हैं, छोटी तरीके आपने बताया था कि जब गैपिंग सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दू जो होता है औसत होता है, और औसत को संख्या से गुना कर दीजिएगा, तो जब कभी भी एपी का सीरीज हो मतलब गैपिंग सेम वाली सीरीज हो तो डायरेक्ट ध्यान रखिए औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दू, औसत मालूम हो गया उसको संख्या से गुना कर दे, तो बोलिए संख्या 90 कहां से लाए बताइए, 99 में 9 ही संख्या ना छूटा हुआ है, यानी दो अंकों की संख्या होती भी है 90, ये भी आपको भी पता है, क्या हल कर लेंगे? तो ये हो जाएगा 109 × 45, सही है, बोलते नहीं, 4505 हो जाएंगे, 4905 क्या, बोलिए ना हाँ या ना, बनाने आएगा? तो चलिए एक उसी तरह का लिख लीजिए, प्रश्न संख्या 5, यह आया समझ में? सभी तीन अंकीय संख्याओं का योग बताइए, सभी तीन अंकीय संख्या का योग बताइए, तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दू, औसत को अगर संख्या से गुना कर दीजिएगा तो योगफल हो जाएगा। तीन अंकीय संख्या कितना होती है? 900, कैसे पता 900? तो एक अंकों की संख्या 9, दो अंकों की संख्या 90, तीन अंकों की संख्या 900, चार अंकों की संख्या 9000, जीरो बैठे तो चल जाएंगे। एक अंकों की संख्या कितना होती है? दो अंकों की संख्या, तो तीन अंकों की संख्या, चार अंकों की संख्या 9000, पांच अंकों की संख्या 90000, टेंशन क्या लेना, आया समझ में? बोलते नहीं हो, चलिए 9 9 9 10 × अब गुना तो आप लोग करिए लीजिएगा, हाँ या ना, ऑप्शन में एक को दिखाई दे रहा है उतना बड़ा, कितना 49 45, क्या आप बन पाएंगे? आशा करें बना लीजिएगा।